हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का पैडेड ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर यह नेट का कपड़ा है, इसी का मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ। आप सिंपल कपड़े में भी ले सकते हैं। तो इसे मैं बनाऊँगी ट्रांसपेरेंट नेक पर, ट्रांजी नेक रहेगा ये नेट का, और सिंपल लिया है कॉटन अस्तर। आप अगर नेट में थोड़ा शॉर्टन फैब्रिक का अस्तर लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। और ये पैडेड ब्लाउज़ भी रहेगा, तो 32 साइज़ का ब्लाउज़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो उसी साइज़ का मैंने पैड लिया है। जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बना रहे हैं उसी साइज़ का आप पैड लीजिएगा। ये देखिए, इसके पीछे भी साइज़ लिखा होता है। अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग ये आपको टेलरिंग शॉप पर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। तो जिस भी साइज़ का आप बना रहे हैं ब्लाउज़ उसी साइज़ का आप पैड लीजिएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि साइड हुक लगाना, बोट नेक बनाना, फ्रिल वाली स्लीव्स बनाना और ट्रांसपेरेंट नेक बनाना। तो देखिए, अब हमने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जितनी भी विड्थ में आपको कपड़ा रखना है, 32 साइज़ का मैं बना रही हूँ, तो उसमें प्लस 2 इंच का मार्जिन करके हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और विड्थ में चेक कर लेंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतना फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है हमें। मैं यहाँ पर 13.5 लेंथ तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब हम बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो 32 साइज़ में बोट नेक के अकॉर्डिंग लेना है 6.5 इंच। तो देखिए, हमें यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल रखने हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच। ये हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग रखना है। तो बोट नेक का चार्ट चैनल पर भी अपलोड है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट जान सकते हैं बोट नेक का। शोल्डर एंड आर्म होल रखे हैं मैंने 6.5 इंच। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है। तो 32 का फोर्थ पार्ट ले लेंगे, चौथा भाग 8 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। सॉरी, मैंने यहाँ पर कमर में भी 2 इंच का ही रखा है मार्जिन। 1/2 इंच का हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो देखिए, ये भी हमें बोट नेक ब्लाउज में करना होता है। 1/2 इंच मैंने शोल्डर को डाउन कर दिया है और अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। शोल्डर को भी हम डाउन कर देंगे और इसके बाद कटिंग करेंगे हम फ्रंट पार्ट की। तो देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ ये कटिंग शेयर कर रही हूँ नेट ब्लाउज की। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर से देखिए, हमें यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो जितनी ज़रूरत है उतना आप विड्थ में फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए, फैब्रिक को फोल्ड मैंने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ हमारी प्लेट्स आएगी और पैड भी रहेगा। तो 1 टक्स हम यहाँ पर ब्लाउज बना रहे हैं। ये देखिए, 1/2 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है। 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे। बैक पार्ट को रखने के बाद हम एज इट इज यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, इस तरीके से। इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने से पहले देखिए, साइड से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग देखिए, मैंने यहाँ पर कर लिया है इसे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट का एक पीस हमें अभी और कट करना है। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए 6.5 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। हमें फ्रंट में यहाँ पर गहराई करनी है।
तो पौना एक इंच अंदर की तरफ देते हुए, क्योंकि बोट नेक ब्लाउज है तो 0.75 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए हमें यहाँ पर गहराई कर देनी है। ये देखिए बोट नेक ब्लाउज में हम गहराई थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं। ये देखिए गहराई करने के बाद आप इसे कटिंग कर लें। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है यहाँ पर, और एक पार्ट अभी हमें फ्रंट का और कट करना है पैड यूज़ करने के लिए, जिसमें हम पैड लगाएंगे, कप अटैच करेंगे, तो फ्रंट का जो पार्ट रहेगा वो दो पार्ट रहेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स के लिए भी आपको बता देती हूँ, 3 इंच आपको विड्थ में रखना है और 10 इंच आपको लेना है यहाँ पर। 10 इंच पर ही हम कप यूज़ करेंगे। अगर आप बड़े साइज 32 से बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 10.5 इंच पर मार्क कीजिएगा पैड लगाने के लिए। मैंने ऊपर से टक्स पॉइंट रखा है यहाँ पर 10 इंच, और दोनों तरफ से 0.75 इंच पर मार्क कर लेना है, 0.25 इंच इस तरफ से और 0.25 इंच इस तरफ से। ये देखिए हाफ इंच हम ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे ताकि हमारा जो बैक पार्ट से ये बराबर रहे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसे गहराई करके बराबर कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। सेम इसी तरीके से मार्किंग हमें दूसरी तरफ से भी कर लेनी है मेजरमेंट लेकर। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर पैड लगाएंगे। इसके लिए देखिए अब हम यहाँ पर एक और पार्ट कट कर लेते हैं इसका। तो ये मैंने फिर से बचे हुए कपड़े को इस तरीके से रख लिया है, और जिस पर हम पैड लगाएंगे उसे मैं हाफ हाफ इंच बाहर की तरफ से बढ़ा रही हूँ। देखिए इस तरीके से, क्योंकि जब हम पैड लगाते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है वो सिकुड़ जाता है, अंदर की तरफ खींचता है। तो अगर आप हाफ इंच बढ़ा कर इसे कट करेंगे तो फैब्रिक आपका बिल्कुल बराबर से रहेगा, छोटा नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ हाफ इंच ही आपको यहाँ पर बढ़ा कर लेना है। तो दो पार्ट हो गए हैं हमारे, नीचे वाले पार्ट पर हम कप अटैच करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मार्किंग इस तरफ से भी ले लेनी है। ये देखिए जिस पर हमने कप अटैच करने हैं उस पर भी मार्किंग हम ले लेंगे इस तरीके से प्लेट्स की, क्योंकि प्लेट्स हमें तीनों ही पार्ट में डालनी है, पैड वाले पार्ट में भी और अस्तर वाले पार्ट पर भी और नेट पर भी। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ जो नेट पे हमारा नेक आएगा उसके लिए मार्किंग करेंगे हम, गले की विड्थ लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच। अब हम यहाँ से एक मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर, और यहाँ पर हम हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे देखिए इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी स्टिचिंग मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। अब देखिए जो इस पर हम पैड लगाएंगे उस पर भी हमें इसी तरीके से इसे कट कर देना है। अब हम नेट के ऊपर भी यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम नेट को अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे, अस्तर के बराबर से ही कटिंग करनी है इसके आपको। इसे डबल फोल्ड करके रखना है और प्लेट्स की मार्किंग करनी है विड्थ में 3 इंच ऊपर से। देखिए नेट है तो मार्किंग हमारी दिख नहीं रही है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर मार्किंग करने के बाद ही प्लेट्स डालनी है। ये देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए हम प्लेट्स यहाँ पर लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से प्लेट्स डाल देनी है। ये देखिए मैंने इस पर प्लेट्स डाल ली है, और अब मैं इन पर भी प्लेट्स लगा लूंगी। जो मार्किंग की है हमने उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें प्लेट्स लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ पर पैड अटैच करना है। तो पैड को आपको देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए सेंटर मार्किंग करनी है, कप की सेंटर मार्किंग करेंगे हम इस तरीके से, और ये हम यहाँ पर इन्हें अटैच करेंगे। तो देखिए पैड को आपको इस तरीके से रख लेना है, और इसे देखिए कैसे करना है आपको, इस तरीके से दबाना है यहाँ पर। इसे पैड को हमें उल्टा कर लेना है दबाकर, और यहाँ पर सेंटर से स्टिच कर देना है।
पक्का कर लेना है। अगर आप चाहें तो सुई धागे से भी आप कर सकते हैं या फिर आप मशीन से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने पैट को अटैच कर दिया है और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। तो ये मेन अस्तर है हमारा और ये पैड वाला अस्तर है। तो इसे देखिए हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा पैड को आपको इस तरफ से ऐसे रखना है ताकि अंदर की तरफ से पलट करके सीधा हो जाए। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद इस पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर के कपड़े पर लगाएंगे और इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे अच्छे से। फिनिशिंग के साथ आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेनी है। ये देखिए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा दी है मैंने और इसके बाद अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे इस पर इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल बराबर से हमारे जो कप है वो अटैच हो गए हैं अस्तर के साथ और अब हमें अस्तर के बराबर से फैब्रिक को कट कर देना है यहाँ पर, जो हमने साइड से बढ़ा कर लिया था। नहीं तो कई बार देखिए ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि अंदर जो पैड वाला अस्तर रहता है वो छोटा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने साइड से हाफ इंच बढ़ाकर कट किया था इसे। अब हमें नेट वाला फैब्रिक ले लेना है और उसके ऊपर इसे रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसे पिन अप कर देना है। पिन लगाने के बाद देखिए एक सिलाई हम यहाँ पर ऊपर से लगा लेंगे। अब देखिए हमें साइड से सिलाई लगा लेनी है इस तरफ करते हुए अस्तर और नेट को बराबर से रखते हुए। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बस बराबर करते हुए ही सिलाई लगानी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे अभी हमें कटिंग कर देनी है और अस्तर के बराबर से इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा जो पार्ट है वो कप और नेट के साथ अटैच हो गया है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने इसे अटैच कर दिया है। अब इसे डबल फोल्ड करना है आपको इस तरीके से। देखिए मैंने पिन लगा ली है और यहाँ पर अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो गले की विड्थ रखी है 4 इंच और गले की लंबाई ली है 2.5 इंच 2.5 इंच, नेक विड्थ रखी है 4 इंच। तो ये हमने नेक कट कर लिया है। गले को बनाने के लिए उरेप पट्टी का यूज़ कर रही हूँ मैं। 1.5 इंच की यहाँ पर पट्टी कट करनी है, 1.5 इंच की विड्थ में पट्टी कट कीजिएगा। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को आपको यहाँ पर अटैच कर देना है इसे। ये देखिए और पूरे ही गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगाने के बाद एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर के कपड़े पर लगा लेंगे। अब हम गले की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। कमर पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखी है मैंने, उसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। नीचे से अगर कोई फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे भी छाट करके बराबर कर लें, उसके बाद कमर पट्टी अटैच करें। 1.5 इंच की विड्थ में लिया है कमर पट्टी को मैंने। एक तरफ से यहाँ पर मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, लगाने में आसानी रहती है हमें। अब हम इसे कमर पट्टी को देखिए यहाँ पर अटैच कर देंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को अटैच करना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं वी शेप बना रही हूँ, आप जितना डीप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मैंने शोल्डर के यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क किया है और इसी में से हम तिरछी पट्टी कट कर लेते हैं गला बनाने के लिए और उसे इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। पट्टी को आपको यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से। छोटी सी एक प्लेट्स डाल दीजिएगा वी शेप पर ताकि शेप बराबर से दिखे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे अटैच कर देना है। पूरे ही नेक पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे।
पूरे ही नेक पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। अब एक सिलाई हम गला पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब गला पट्टी को अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर गला हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर नेट अटैच कर देंगे। ये देखिए नेट को आपको इस तरीके से रख लेना है और पिन लगाने के बाद इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। तो पहले हम गले पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दूंगी और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई ली है 4 इंच और गले की लंबाई ली है 3.5 इंच। बोट नेक का जो शेप होता है वो शेप दे दिया है और उरेब पट्टी लगा लेनी है जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी उसी तरीके से। तो 1.5 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पर कट की है, उसे इस तरीके से पट्टी को अटैच कर देना है। और देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। एक सिलाई पट्टी को पलट करके इस तरफ लगा लेंगे। और पट्टी को एक सिंगल फोल्ड करेंगे पहले यहाँ पर, फिर अंदर की तरफ इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए गला हमारा रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे। तो 4 इंच की लंबाई में फैब्रिक को सेंटर से आपको फोल्ड करना है और दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा लेनी है। नीचे की तरफ कमर पट्टी भी अटैच कर दी है। ये देखिए फैब्रिक लिया है यहाँ पर मैंने, ये फैब्रिक मैंने स्लीव्स में लगाने के लिए लिया है। देखिए तो इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको, 19 इंच ली है डबल फोल्ड करके मैंने, और इसकी लंबाई ली है मैंने 3.5 इंच। लंबाई में आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा इसको, जितना भी रखना है आपको लेंथ में 3.5 या 4, 4.5 इंच तक। और इसे इस तरीके से आपको कट कर लेना है। डबल फोल्ड करके रखे हैं दोनों पार्ट को और 19 इंच इनकी लंबाई है डबल फोल्ड में। 2 पैटर्न लिए हैं यहाँ पर, इसकी हम फ्रिल बनाएंगे स्लीव्स में अटैच करने के लिए। तो देखिए इस फैब्रिक को आपको इस तरीके से खोलकर यहाँ पर इसकी प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे 4.5 या 5 इंच पर, आप यहाँ पर मार्क कर लें। देखिए कोई भी नोक वाली चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं प्लेट्स लगाने के लिए। मैं यहाँ पर सुई से छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर डाल रही हूँ। तो ये स्लीव्स बनेगी इसकी, आप एक तरीके से स्लीव्स भी कह सकते हैं इसे, फ्रिल वाली। तो यहाँ पर देखिए फ्रिल हमारी जो है वो शोल्डर पर आएगी, आर्म होल वाली साइड। बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। तो अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होता है तो आप 2 लेयर भी ले सकते हैं इसकी, मैं सिंगल लेयर ही लगा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे, और एक तरफ से आप इस पर पीको कर सकते हैं या फिर आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये जो नेट है वो किनारी वाला पार्ट है, तो मैं इसे सिंगल ही फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल फैब्रिक होता है जैसे किनारी इस पर नहीं होती है तो आप इस पर डबल फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है एक तरफ से, और दूसरी फ्रिल भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे लेस। तो नीचे वाले नेक पर मैं आगे और पीछे की तरफ से लेस को अटैच कर रही हूँ यहाँ पर, जिससे कि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। ये देखिए और एक सिलाई हमने लेस को इस तरफ करते हुए यहाँ पर लगा लेनी है। तो ये दूसरे पार्ट पर भी मैंने देखी लेस अटैच कर दी है, और अब मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पर शोल्डर। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है और इस पर डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का हम करेंगे सेंटर मार्किंग एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करने के लिए। तो दोनों पार्ट को आपको यहाँ पर अच्छे से बराबर करके रख लेना है। ये देखिए यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे और फ्रंट पार्ट का भी कर लेंगे, बैक पार्ट का भी कर लेंगे। दोनों को मिलाते हुए चेक कर लीजिएगा कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो कट करके बराबर कर लीजिएगा। ये देखिए
इसके बाद ही हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। शोल्डर के यहाँ से भी बराबर करके चेक कर लेना है। और अब देखिए हम स्लीव्स का सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में एक छोटा कट लगा लें और सेंटर से ही इसे अटैच कीजिएगा। ये देखिए सेंटर से हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे यहाँ पर। अब हमें दूसरी तरफ से भी कर लेना है इसे, और इस पर भी आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी स्लीव्स को यहाँ पर अटैच कर दूंगी। दोनों तरफ मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है और अब हम एक तरफ से सिलाई लगाएंगे। एक तरफ हम साइड हुक लगाएंगे, आप चाहे तो साइड जिप भी लगा सकते हैं। अब एक तरफ से देखिए मैंने सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टा कर दिया है ब्लाउज को, और एक तरफ से कॉर्नर की सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है चेस्ट और वेस्ट का। चेस्ट का ले लेंगे 8 इंच, कमर का ले लेंगे 6.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और स्लीव्स के यहाँ से इस तरीके से करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ देखिए क्या करना है, चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट की 8 इंच, कमर की 6.5 इंच, और यहाँ पर इसे दूसरी तरफ से भी ले लेना है मार्किंग को बराबर करते हुए। ऊपर आर्म होल तरफ से 1.5 इंच की तरफ मार्क करते हुए यहाँ पर हम इसे पक्का कर देंगे। ये देखिए, और हुक और हाई की पट्टी बनाने के लिए देखिए पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप पहले ब्लाउज को सीधा कर लीजिए। ये देखिए ब्लाउज को मैंने पूरा सीधा कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, इसे एक सिंगल फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर सिंगल फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर फिटिंग वाले पार्ट से ही मैंने इसे फोल्ड किया है। अब हम दूसरी तरफ से इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बनेगी, और जहाँ से भी हम फोल्ड कर रहे हैं वो मार्जिन वाला ही पार्ट है, और जो फिटिंग की हमारी लाइन है वहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हुक वाली पट्टी को इसके बराबर करते हुए यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी नीचे वाली हाई की पट्टी रहेगी और ऊपर वाली हुक की पट्टी रहेगी, ये इस तरीके से आ जाएगा पैटर्न हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो डिज़ाइनर ब्लाउज है वो बन करके रेडी हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।